लापरवाह बहू। चलो, खाने की चिंता तो दूर हो गई, अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। साक्षी बहू, जरा इधर आना। साक्षी अपनी सास मीनाक्षी की आवाज सुनकर रसोई से बाहर आती है। बाहर साक्षी के सास ससुर मीनाक्षी, मनदीप, नंद पायल और 8 साल का बेटा वरुण, ये सब बैठे थे। जी माँ जी। बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है और मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जरा बाजार जाकर मेरी ये दवाई ले आना, मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। ठीक है माँ जी, मैं ले आती हूँ। साक्षी पैसे लेकर घर से बाहर चली जाती है। वो घर में बताना भूल जाती है कि उसने गैस पर दाल और चावल पकने के लिए रखे हैं। इधर साक्षी सड़क से जा रही थी, तभी उसे उसकी बचपन की सहेली रिया मिलती है। अरे साक्षी, तुम कितने दिनों बाद मिल रही हो। अरे रिया, कैसी हो तुम? फिर क्या था, दोनों बचपन की सहेलियां आपस में खूब बातें करने लगती हैं और दोनों बातें करते करते एक कैफे में जाकर बैठ जाती हैं। सही कहा रिया तूने, बचपन की बात ही अलग होती है। कितना मजा आता था ना यार बचपन में। अब साक्षी रिया के साथ वहां बैठे बैठे सवेरे के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बातें करती जाती है। वो रिया की बातों में अपनी सास की दवाई लेना ही भूल गई थी। इधर मीनाक्षी दर्द के मारे घर में तड़प रही थी। मेरा पेट, अरे ये बहू कहाँ गई, उसने दवाई क्यों नहीं लाई अभी तक। माँ हिम्मत रखिए, भाभी आती ही होंगी। नहीं हो रही अब बर्दाश्त मुझसे ये तकलीफ। मीनाक्षी दर्द के मारे तड़प रही थी, तभी पायल वरुण बाहर चले जाते हैं और मनदीप तो घर में था ही नहीं। इधर साक्षी रिया से गप्पे लड़ा रही थी और उधर रसोई में दोनों कुकर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके अंदर का खाना पूरी तरह से जलकर कोयला हो चुका था, क्योंकि साक्षी के जाने के बाद कोई भी रसोई में नहीं आया था। तभी मीनाक्षी पेट को हाथ लगाए रसोई में पानी पीने के लिए आती है। मीनाक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, उसे रोज दवाई लेना जरूरी थी। तभी मीनाक्षी जैसे ही रसोई में आती है तो वो दोनों कुकर ज्यादा प्रेशर के कारण ब्लास्ट होकर फट जाते हैं और उसमें का सारा मलीदा मीनाक्षी के चेहरे और शरीर पर गिर जाता है। गरम पानी और मलीदा चेहरे पर और शरीर पर गिरने से मीनाक्षी दर्द के मारे तड़प रही थी, तभी वो बेहोश हो जाती है। थोड़े समय बाद साक्षी रिया से मिलकर घर आती है। वो मीनाक्षी की दवाई लाना भूल गई थी। घर के बाहर पायल और वरुण साक्षी की राह देख रहे थे। अरे तुम दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? भाभी आप कहाँ रह गई थी, माँ कब से दवाई की राह देख रही है, उन्हें पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, रिया के चक्कर में तो मैं दवाई लाना ही भूल गई। क्या, कितनी लापरवाह हो आप भाभी। मैं जाकर ले आती हूँ दवाई। माँ आप रहने दीजिए, वरना आप किसी से बात करने में लग जाएंगी। लाइए मुझे पैसे दीजिए, मैं ले आता हूँ दादी माँ की दवाई। वरुण साक्षी से पैसे लेकर दवाई लाने चला जाता है। तभी मनदीप वहां आता है और साक्षी, पायल और मनदीप तीनों घर में आते हैं तो रसोई से निकलते धुएं को देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये रसोई से धुआं कैसे निकल रहा है? अरे बाप रे, मैंने तो गैस पर दाल चावल के कुकर रखे थे। अरे मीनाक्षी कहाँ है? तीनों रसोई में आते हैं तो अंदर दोनों कुकर के टुकड़े पड़े थे और मीनाक्षी बेहोश पड़ी थी। मीनाक्षी के शरीर और चेहरे पर गर्म पानी और खाना गिरने से मोटे मोटे छाले आ चुके थे। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। माँ, अरे बाप रे। तीनों मीनाक्षी को उठाकर कमरे में लाकर बेड पर लिटाते हैं। मीनाक्षी मोनपुर शहर में अपने इस छोटे से घर में रहती है। तभी मीनाक्षी को होश आता है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे कितने मोटे मोटे छाले आ गए मीनाक्षी को। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आप सबको बताना ही भूल गई थी कि मैंने गैस पर कुकर रखे, मेरे दिमाग से ही ये बात निकल गई थी माँ जी। बहू तू कितनी लापरवाह है, ऐसी लापरवाही कोई करता है क्या? सब साक्षी को बातें सुनाते हैं। तभी साक्षी का पति अजीत अपने काम से घर आता है। अजीत उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। तभी अजीत को सारी बात पता चलने पर अजीत भी साक्षी को बातें सुनाता है।
साक्षी बहुत ही लापरवाह थी। अगले दिन सवेरे अजीत साक्षी को एक फाइल देता है। साक्षी, इस फाइल में अपने इस घर के पेपर है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। 2 दिन बाद मुझे ये फाइल नगर पालिका में जमा करवानी है। जी ठीक है। तभी अजीत अपने काम पर चला जाता है। अब ऐसी कौन सी जगह रखूं मैं इस फाइल को जहां से ये फाइल को कोई नुकसान ना हो पाए, कहां रखूं? तभी साक्षी को वरुण का स्कूल बैग दिखाई देता है। हाँ, वरुण का स्कूल बैग सही रहेगा। वरुण के बैग में तो हमेशा उसकी किताबें सुरक्षित ही रहती हैं, तो इस बैग में फाइल भी सुरक्षित रहेगी। तभी साक्षी अजीत के घर के पेपर वरुण के स्कूल बैग में रख देती है और बाहर के काम करने चली जाती है। थोड़े समय बाद वरुण तैयार होकर अपना बैग लेकर स्कूल चला जाता है और स्कूल में आकर वो अजीत की उस फाइल को निकाल कर फाड़ देता है और उसके कागज के प्लेन बनाकर स्कूल में उड़ा देता है। साक्षी ऐसी ही लापरवाह थी। उसके बाद साक्षी ऐसे ही हर काम उल्टे करने लगी। 2 दिन बाद अजीत साक्षी से फाइल मांगता है। तभी साक्षी वरुण के बैग से फाइल निकालती है तो उसमें केवल फाइल का कवर था, उसके अंदर के पेपर नहीं थे। अरे, इस फाइल के अंदर के पेपर कहाँ हैं? वरुण बेटा, तुम्हारे बैग में मैंने ये फाइल रखी थी, इस फाइल के अंदर के पेपर कहाँ हैं बेटा? क्या साक्षी, तुमने इतनी इम्पोर्टेंट फाइल वरुण के बैग में रखी थी? माँ, इस फाइल के अंदर के पेपर के तो मैंने प्लेन बनाकर स्कूल में उड़ा दिए। मुझे लगा वो पेपर बेकार है। क्या, पेपर के प्लेन बनाकर उड़ा दिए? अरे सत्यानाश हो तेरा। अरे बेवकूफ साक्षी, वो घर के पेपर आज मुझे नगर पालिका में जमा करवाने के थे। अगर आज वो पेपर वहां जमा नहीं हुए तो हमारा ये घर हमारा नहीं रहेगा। नगर पालिका वालों ने हमें नोटिस दिया था कि हमारा ये घर अतिक्रमण जगह से बना हुआ है, इसीलिए हमें घर के पेपर दिखाने थे आज। अरे ये क्या हुआ, अरे बाप रे बाप। जी मैंने तो इसीलिए बैग में रखे थे वरुण के, कि इसके बैग में हर किताब भी सुरक्षित रहती हैं। मुझे क्या पता था वरुण ऐसा करेगा। बहू कितनी लापरवाह है तू, इतनी जरूरी फाइल कोई बच्चों के हाथ में देता है क्या? पिताजी, अभी एक घर गया हमारे हाथ से, वो पेपर में सालों से संभालता आ रहा था। साक्षी ये क्या किया तुमने, अब ये घर हमारा है, इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। आप नगर पालिका वाले इस घर को आकर तोड़ देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ। अरे कैसी बेवकूफ बहू से पाला पड़ा है हमारा। बहू तूने तो हमें कहीं का ना रखा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। तभी सब साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। साक्षी खूब रोने लगती है। अजीत बेटा, तू अपने इलाके के मेंबर साहब से बात कर, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अरे नहीं पिताजी, अब इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास सबूत होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस इलाके में कई सारे घर इलीगल बने हुए हैं और नगर पालिका वालों ने वो सारे घर तोड़ दिए हैं। अब हमारा घर टूटने में कोई नहीं बचा सकता पिताजी। फिर क्या था, जैसे तैसे सब इसी सोच में परेशानी में दिन गुजारने लगते हैं कि अब उनका भी घर बाकी घरों की तरह टूट जाएगा और वो भी रास्ते पर आ जाएंगे। साक्षी की लापरवाही की वजह से अजीत और उसके परिवार पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ आ गिरा था। अजीत अपने शहर के हर मेंबर और बड़े नेता के पास जाकर फरियाद करने लगा, मिन्नतें करने लगा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक दिन सवेरे नगर पालिका वाले अजीत के घर को तोड़ने उसके घर आते हैं। अजीत, हमने तुम्हें नोटिस दिया था पर तुम्हारी ओर से कोई सबूत नहीं आया। अब तुरंत अपना घर खाली कर दो, इस घर को तोड़कर हम यहाँ सड़क बना रहे हैं। सर ऐसा मत कीजिए सर, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए सर, मैं आपको मेरे घर के पेपर लाकर दे दूंगा। अजीत, हम और मोहलत नहीं दे सकते तुम्हें। तभी सब अजीत के घर का सारा सामान बाहर निकाल कर अजीत के घर को तोड़ देते हैं। ये देखकर अजीत और उसके परिवार वाले खूब रोने लगते हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है साक्षी, तेरी वजह से आज हम इस घर से बेघर हुए हैं। निकल जा साक्षी मेरी नजरों के सामने से, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा यहाँ से। भाई संभालिए खुद को, मुझे माफ कर दीजिए अजीत जी, मुझसे गलती हो गई। अब कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे अब हम? साक्षी बहू तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तभी वहां साक्षी का पिता कुलदीप आता है जो पास वाले गांव में रहता है। तभी अजीत कुलदीप को सारी बात बताता है। क्या साक्षी, तुम में अकल है क्या नहीं है? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? दामाद जी, अपनी बिटिया की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दीजिए। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए,
गांव में मेरा एक और घर खाली पड़ा है, आप सब उसी में रहिए। तभी सब कुलदीप की बात मानकर कुलदीप के साथ पास वाले गांव में आते हैं, जहां कुलदीप का दो कमरों का एक घर था जो खाली पड़ा था। कुलदीप अजीत और उसके परिवार को अपना वो घर रहने के लिए दे देता है, जिसके बाद अजीत और सब उस घर में रहने लगे और अजीत रोज गांव से शहर अपनी कंपनी में काम करने आने जाने लगा। और साक्षी ने भी हमेशा के लिए अपनी लापरवाही छोड़ दी और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बसर करने लगी।